कई बार YouTube के लिए या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए हमें ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने की भी जरूरत पड़ जाती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप इजीली और बेहतरीन तरीके से HD क्वालिटी में किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है DU रिकॉर्डर। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। जितने भी आप वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे वो सब यहाँ पर शो होंगे और लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। सबसे पहले आप यहाँ पर सेटिंग कर लीजिए। यहाँ पर रेजोल्यूशन चूज करेंगे 720 पिक्सल या फिर 180 पिक्सल। यहाँ पर हाई क्वालिटी के लिए हम 180 पिक्सल चूज कर लेते हैं। नीचे यहाँ पर वीडियो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी में आप ऑटो यहाँ पर चूज करिए। इसके नीचे यहाँ पर है FPS फ्रेम पर सेकेंड, इस पर क्लिक करिए, इसको आप ऑटो कर दीजिए। नीचे आएंगे यहाँ पर वीडियो ओरिएंटेशन है, इसको भी आप ऑटो रहने दीजिए। अगर आप अपनी स्क्रीन की वीडियो के साथ साथ ही ऑडियो भी रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन कर दीजिए। नीचे यहाँ पर आप अपनी वीडियो की लोकेशन चूज करेंगे कि जो वीडियो आप शूट करेंगे वो कहाँ पर जानी चाहिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा काउंटडाउन का। इसमें जब आप स्टार्ट करेंगे तो 3 सेकंड का एक टाइम शुरू होगा जिसे आप बढ़ा भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे 3 सेकंड ही रखिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग और मिलेगी, वाटर मार्क। इसको आपको डिसेबल करना है क्योंकि अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो आपकी हर एक वीडियो में DU रिकॉर्डर लिखा हुआ आएगा, तो इसे आप यहां से क्लोज कर दीजिए। अब आपकी एप्लीकेशन यहां पर बिल्कुल रेडी है, आप बाहर निकल जाइए। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको DU रिकॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा। जब भी आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो आप यहां स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। यहां पर ही परमिशन मांग रहा है ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, हम अलाउ कर देते हैं, इसको हम ओके कर देते हैं। यहां पर ये स्क्रीन को रिकॉर्ड करने की परमिशन मांग रहा है, इसको भी हम अलाउ कर देते हैं। यहां पर टाइमर शुरू हो गया है 3, 2, 1 और यहां पर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब इस मोबाइल फोन में हम जितने भी काम करेंगे वो सब रिकॉर्ड होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक ट्यूटोरियल बनाना है कि GK बॉस एप्लीकेशन कैसे यूज करें तो अब हम यहां पर GK बॉस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहां स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, आप यहां पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर कौन बनेगा करोड़पति में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी दिए गए हैं, तो आप इस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और यहां पर लेवल्स दिए गए हैं। हर एक लेवल में यहां पर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेवल 1 को स्टार्ट करेंगे, यहां पर एक क्वेश्चन है उसके साथ 4 आंसर्स है, तो हमें यहां पर एक सही आंसर देना है। सही आंसर देते ही हमें यहां पर 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर हम गलत आंसर देते हैं तो हमारे 2 पॉइंट्स यहां पर कट हो जाते हैं। नीचे यहां पर लाइफलाइन दी गई है, 50-50 यूज कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं और यहां पर ऑडियंस पोल ले सकते हैं या फिर टाइमर को रिसेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम कोई भी यहां पर ट्यूटोरियल बना सकते हैं। जब हमें लगे कि हमने जो ट्यूटोरियल बनाया है वो कंप्लीट हो चुका है तो हम नीचे यहां पर स्क्रॉल करेंगे और यहां स्टॉप पर क्लिक करेंगे। स्टॉप पर क्लिक करते ही आपकी ये रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी। रिकॉर्डिंग देखने के लिए हम जाएंगे DU रिकॉर्डर एप्लीकेशन में, यहां पर DU रिकॉर्डर रखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और देखिए हमने जो अभी अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया है वो यहां पर आ चुका है। 3, 2, 1 और यहां पर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब इस मोबाइल फोन में हम जितने भी काम करेंगे वो सब रिकॉर्ड होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल और यहाँ पर लेवल्स दिए गए हैं, हर एक लेवल में यहाँ पर 10 क्वेश्चंस दिए, 2 पॉइंट्स यहाँ पर कट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर हम 50-50 लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी में ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है और साथ ही ऑडियो क्वालिटी भी यहाँ पर काफी अच्छी है। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल फोन में जो ये चल रही है ये वही वीडियो है जो अभी अभी मैंने रिकॉर्ड की है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफी HD है और साथ ही इसमें ऑडियो भी काफी अच्छी तरीके से रिकॉर्ड की गई है।
अगर आप इस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहां 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, यहां एडिट पर क्लिक करेंगे और आपके सामने यहां पर एडिटिंग के सभी फंक्शंस आ जाएंगे। आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं, आप इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हैं, कोई सब टाइटल भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई इंट्रो या आउट्रो है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप इसकी स्पीड को भी यहाँ पर स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर आप इसमें एक बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ पहले से ही बनी हुई है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वीडियो के बैकग्राउंड में एक इमेज लग चुकी है। अगर आपके मोबाइल फोन में कोई बैकग्राउंड रखा हुआ है तो आप ऑन डिवाइस क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसको ऐड कर लेंगे, वरना यहाँ पर जो ये रेडीमेड दी गई हैं आप इनमें से भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है। देखिए यहाँ पर वही वीडियो जो हमने अभी शूट की है। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल यहाँ पर तैयार हो चुका है। ओके करेंगे और यहाँ पर साथ में एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी हम लगा सकते हैं। इसके लिए हम ऐड म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐड म्यूजिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑन डिवाइस या फिर ऑनलाइन म्यूजिक में से कोई एक म्यूजिक यहाँ पर चूज करेंगे। यहाँ पर प्ले करके भी देख सकते हैं और यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके इसको हम अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। म्यूजिक यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ये सेटिंग्स आ जाती है कि आप म्यूजिक और ऑडियो में से किसकी कितनी वॉल्यूम रखना चाहते हैं। ऑडियो में म्यूजिक की वॉल्यूम हमेशा 50% ही रखी जाती है या उससे कम, तो हम इसको यहाँ पर कम कर लेंगे क्योंकि अगर आप इसको ज्यादा करेंगे तो आपकी जो ऑडियो है वो क्लियरली समझ में नहीं आएगी। यहाँ पर हम इसको कन्फर्म कर देते हैं। अभी हम इसको प्ले करके देखेंगे, यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो में एक बैकग्राउंड और एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा चुके हैं। यहाँ पर ये ड्यू रिकॉर्डर लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम कट कर देंगे। इसके बाद यहाँ वीडियो को सेव कर देंगे। वीडियो यहाँ पर सेव होना शुरू हो चुका है। इसके बाद आप इस वीडियो को YouTube पर या किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ वीडियो को एडिट करके सेव करने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको वेट करना होता है। देखिए यहाँ पर वीडियो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आप इसे यहाँ पर डायरेक्टली YouTube पर, WhatsApp पर या कहीं भी शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर हम वीडियो सेक्शन में भी देख सकते हैं और इसी के साथ इसको हम गैलरी में भी देख सकते हैं। यहाँ पर MX प्लेयर में ओपन कर लेता हूँ। MX प्लेयर में यहाँ पर एक फोल्डर शो होता है रिकॉर्ड मास्टर। आप जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो यहाँ पर शो होती है और उसको एडिट करने के बाद जब आप सेव करते हैं तो वो यहाँ वीडियो एडिट में शो होती है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वीडियो आ रही है, इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। 3, 2, 1 और यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब इस मोबाइल फोन में हम जितने भी काम करेंगे वो सब रिकॉर्ड होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें ट्यूटोरियल, आप यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि रीसेट कर सकते हैं। सभी आंसर देने के बाद लास्ट में एक समरी आती है जहां पर आप अपने क्वेश्चंस को चेक भी कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरह से आप अपने मोबाइल फोन पर कोई भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक अच्छा ट्यूटोरियल बना सकते हैं। बाद में आप इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ कट आइकन पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को यहाँ से खत्म कर देंगे। इसके बाद जब भी आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करनी हो आप ड्यू रिकॉर्डर पर क्लिक करेंगे और बैक हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसमें आप इस रेड बटन पर क्लिक करके रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन की स्क्रीन को HD क्वालिटी में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही आपने ये भी जाना कि आप अपनी उस रिकॉर्डेड वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। 3, 2, 1 और यहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अब इस मोबाइल फोन में हम जितने भी काम करेंगे वो सब रिकॉर्ड होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक ट्यूटोरियल बनाना है कि GK Boss एप्लीकेशन कैसे यूज करें, तो अब हम यहाँ पर GK Boss एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करेंगे
इसमें यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, आप यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी दिए गए हैं, तो आप इस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे